नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल कार पॉइंट हिंदी के एक और नई वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त गिरीश। दोस्तों, एक मेरा वीडियो था जो काफी वायरल हुआ था, गुड हैबिट्स फॉर गुड ड्राइवर, जिसमें मैंने अच्छे ड्राइवर की 10 निशानियां बताई थी। तो उसमें जो है मैंने शूज वगैरह नहीं पहने हुए थे, ना ही कोई स्लीपर पहने हुए थे। तो इस बारे में बहुत सारे कॉमेंट आए कि पहले आप शूज पहनिए तब वीडियो बनाइए, इस तरह से ज्ञान देने से कुछ नहीं होता, ऐसा वैसा, मतलब कई नेगेटिव कमेंट इस तरह के आए मेरे नंगे पैर होने की वजह से। तो आज का जो वीडियो है दोस्तों, इसमें हम यही बात करेंगे कि ड्राइव करते समय क्या आपको शूज पहनना, स्लीपर पहनना, सैंडल पहनना कंपलसरी है, और क्या ऐसा कोई रूल है जिससे आपको जो है चालान पे करना हो। तो यही हम आज के वीडियो में जानेंगे। तो एक्चुअल में दोस्तों देखा जाए तो ऐसा गवर्नमेंट का कोई रूल नहीं है। ट्रैफिक रूल रेगुलेशन के हिसाब से आप नंगे पैर भी वाहन चला सकते हैं। और ये जो बात है, मैं फोर व्हीलर के लिए नहीं बोल रहा, आप कोई भी व्हीकल चला सकते हैं, टू व्हीलर से लेकर कोई भी हैवी व्हीकल्स, ठीक है। तो ऐसा कोई रूल नहीं है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो बिगनर होते हैं उनको फोर व्हीलर जब चलाना सिखाया जाता है, कोई अगर अच्छा ड्राइविंग स्कूल हो तो वो भी यही कहता है कि आप नंगे पैर जो है गाड़ी को चलाइए, उससे पेडल्स का जो जजमेंट होता है वो काफ़ी बेहतर बैठता है। अगर आप शूज़ पहन के चलाएंगे तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। और सेफ्टी वाइज भी बोल रहे थे लोग कि अगर आप नंगे पैर गाड़ी चला रहे हैं तो ये सेफ्टी वाइज सही नहीं होता। तो मैं आपको बता दूं, मैं कार चला रहा हूं ना कि टू व्हीलर, ये बात से मैं एग्री करता हूं कि आपको जो है शूज़ पहन के ही गाड़ी चलानी चाहिए। बट ये डिपेंड करता है कि आप जो है किस तरह का व्हीकल चला रहे हैं, ठीक है। अगर आप टू व्हीलर चला रहे हैं बिल्कुल आप शूज़ पहन के गाड़ी चलाइए, और अगर आप फोर व्हीलर चला रहे हैं तो आप जो है अपनी इच्छा के अनुसार गाड़ी चला सकते हैं। और इसके बारे में कोई भी जो है आप कमेंट कर सकते हैं, लेकिन जो मैं आपको एक्चुअल फैक्ट है वही बता रहा हूँ। ऐसा कोई भी रूल नहीं है जिससे आपका चालान हो जाए। कुछ दिन पहले नितिन गडकरी द्वारा जब भी ये बात बोली गई थी कि साउथ के जो लोग होते हैं वो जनरली देखा जाए तो जो उनकी लॉरी होती है, जो ट्रक्स होते हैं, वो लुंगी पहन के चलाते हैं, क्योंकि साउथ की तरफ लुंगी का चलन ज़्यादा है। तो कुछ लोग कह रहे थे कि इस पे चालन हो जाता है, तो नितिन गडकरी जी ने भी बोला था ऐसा कोई जो है रूल नहीं है जिससे जो है चालन हो सके, आप लुंगी पहन के भी वाहन चला सकते हैं। तो वाहन चलाने के लिए कोई पहनावे की जरूरत नहीं होती, जरूरत होती है रूल रेगुलेशन को फॉलो करने की। एक अच्छे ड्राइवर को जो चीज़ें चाहिए वो मैंने उस वीडियो में बताया है, ठीक है। तो आप जो है नंगे पैर भी गाड़ी चला सकते हैं, और जैसा कि मैंने कहा बिगनर जो होते हैं उनको नंगे पैर ही गाड़ी चलाना सीखना चाहिए। तो अभी जितने भी जो आलोचक थे इस बात के कि मैंने शूज नहीं पहने, पहले शूज पहनना सीख ले फिर वीडियो बनाना, इस तरह के कमेंट जो कर रहे थे, तो मैंने सोचा उनको भी थोड़ा सा ज्ञान दिया जाए और जो एक्चुअल फैक्ट है उसके बारे में उन्हें अवगत कराया जाए। तो अभी आपका जो डाउट था, जो कमेंट कर रहे थे, वो क्लियर हो गया होगा कि वास्तव में जो है आप किसी भी तरह से गाड़ी चला सकते हैं विदाउट शूज पहने, विदाउट स्लीपर पहने, ठीक है, आप चला सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप चलाना चाहें तो किसी भी कंडीशन में, मतलब कहने का ये है, आप चप्पल पहनिए, जूते पहनिए, सैंडल पहनिए, चला सकते हैं, ठीक है, गाड़ी को। तो उम्मीद है अभी आपको थोड़ा सा सुकून मिला होगा मेरे आंसर से, और अब इस तरह के आप कमेंट नहीं करेंगे, और अगर आप कमेंट करते भी हैं तो इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मिलते हैं एक और अच्छे से नई वीडियो के साथ, तब तक वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, धन्यवाद।